फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने जो भी करना चाहा उन्होंने मेरा पूरा पूरा साथ दिया, घर वालों ने हर यानी के काम में। मैं अब इधर अप्लाई की हुई है जॉब, इंशाल्लाह इधर मिल गई तो फिर ये साथ साथ बच्चों को तालीम दूंगा म्यूजिक की। कॉलेज में हुआ था एक दफा ऐसा कि किसी ने यानी कि इग्नोर किया था मुझे, कि एक टीचर ही थी वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, ब्रेकिंग व्यूज़ के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हम आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने लगे हैं, जो कि है 34 साला हसन की, जो कि आँखों से तो ब्लाइंड हैं लेकिन अपने ख़ास विजन रखते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एंकरिंग भी करते हैं, म्यूजिशियन का कोर्स कर चुके हैं लेकिन फ्यूचर में म्यूजिशियन बनना भी चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में क्या क्या हर्डल्स आए, इन्होंने कैसे स्ट्रगल की और किस तरह से ये लोगों में आज एक मोटिवेशन बन चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप? माशाल्लाह से इतना कुछ आप कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, एंकरिंग भी कर रहे हैं, ये जो आपके अंदर एक स्पिरिट है इसका क्रेडिट किसको देंगे? इसका अपने सबसे पहले तो मैं टीचर्स को दूंगा कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस आज मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा, टीचर ने तो आपको बनाया लेकिन वो जो एक होता है ना कि एक आपको पहला धक्का लगने की जरूरत होती है, उसमें किसको आप कहेंगे कि क्रेडिट जाता है? उस घर वालों को ज्यादा जाता है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने जो भी करना चाहा उन्होंने मेरा पूरा पूरा साथ दिया, घर वालों ने हर यानी के काम में। जबरदस्त, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उसमें क्या आपका जॉब टास्क क्या? उसमें मैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग और फोन ऑपरेटिंग कर रहा हूँ, इधर पंजाब पुलिस में गवर्नमेंट जॉब है। जबरदस्त, स्टेबल हो गए हैं और साथ साथ एंकरिंग भी कर रहे हैं, एंकरिंग में क्या करते हैं? एंकरिंग में ये इंटरव्यूज वगैरह करता हूँ लोगों के। सबसे ज्यादा मुश्किल इंटरव्यू आपको किसका लगा, जो आपने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल इंटरव्यू है? किया था एक साथ साहब इधर, उन्हीं का ही किया था, वो भी इधर ही होते हैं, और सबसे ज्यादा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि वो खुद एक एंकर है। अच्छा, यानी कि एक एंकर जब दूसरे एंकर का करते हैं तो वहाँ पे जरा थोड़ा सा चैलेंज फील होता है। सही, ठीक है। अच्छा, आप अब म्यूजिशियन का कोर्स कर चुके हैं? अच्छा जी, एनसीसी कर ली है। फ्यूचर में आप म्यूजिशियन को किस तरह से लेकर चलेंगे? मैं अब इधर अप्लाई की हुई है जॉब, इंशाल्लाह इधर मिल गई तो फिर ये साथ साथ बच्चों को तालीम दूंगा म्यूजिक की। सेटल अप हो चुके हैं, कोई शादी वादी कब तक करने का इरादा है? शादी मेरी हो चुकी हुई है, ये अभी रिसेंटली हुई है। जबरदस्त, भाभी क्या करती हैं? भाभी आपकी करती हैं इधर डिग्री कॉलेज में जॉब करती हैं, टीचर हैं वो भी, लेक्चरर। अच्छा, ज़बरदस्त, यानी कि आप दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपने पाँव पे खड़े भी हैं, ये तो वाकई हमारे लिए बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है और हम चाहेंगे कि हम आपके बाद आपकी बीवी का भी किसी दिन इंटरव्यू ज़रूर आए आप। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला ज़रूर। अच्छा हसन, अगर हम ज़रा थोड़ा सा आपकी जर्नी की तरफ नज़र डालें तो इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। मुश्किल आती हैं, इवन के जब पहले मैं स्कूल में गया तब मुश्किल आता ही, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा देख सकता था तो फिर साइटेड बच्चों में था, इसलिए फिर मैं स्पेशल स्कूल में गया, उधर ही मुझे मुश्किल आई, लोगों ने कहा काफ़ी मुश्किल से लोग यानी कि आगे फिर सपोर्ट कर देते हैं, फिर अगर कॉलेज जैसी यूनिवर्सिटी गए उधर आपको पता है कि सब साइटेड लोग होते हैं तो फिर उनमें ज़्यादा मुश्किल एडजस्ट होना होता है। उसके बाद फिर मैं NCA में यानी कि 4 साल उधर लगाए, फिर मैं जॉब यानी कि इधर मुझे मिली पंजाब। हसन माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर चुके हैं, कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें जिसमें आपको लगा हो कि वाकई किसी ने आपको बहुत हर्ट किया और आपने उस टाइम आपको लगा हो कि बस अब हमें दिल छोड़ दिया हो आपने और आपको बस मुझसे मज़ीद नहीं आगे स्ट्रगल होती। ये कॉलेज में हुआ था एक दफ़ा ऐसा कि किसी ने यानी कि इग्नोर किया था मुझे, कि एक टीचर ही थी वो, तो टीचर ने इग्नोर किया था? टीचर थी वो, एक लेक्चरर थी इधर, इंग्लिश की टीचर थी, उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है पढ़ के, बस ठीक है आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है आप लोग क्या कर सकते हो, तो मैंने कहा क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको उन्हीं के सामने, फिर मैंने 2 साल में उनको जब कंप्लीट करके दिखाया तो उनके सामने मैंने फिर अपना रिजल्ट रखा, मैं कहा ये देखे हम लोग ये कर सकते हैं। फिर आगे मैं NCA में भी गया, फिर मैंने उनको मिला, मैं अब मिलता हूँ ना वो खुद हैरान होती कि यार मैं इसको मना करती होती थी कि ना पढ़ो तुम। You can do it and everything is possible if you think I am possible. माशाल्लाह वेरी नाइस, और आपने अपनी जो टीचर थी उनको भी गलत साबित किया और मुआशरे में एक एग्जाम्पल सेट की। अपनी कहानी से
कोई ऐसा वाकया या ऐसा कोई आपका जो आप ऐसा गुजरा और आपने कहा कि नहीं, ऐसी कोई थॉट आपके माइंड में आती हो जो आप लोगों को भी हिम्मत देना चाहते हो, जिससे आपको सोच की मोटिवेशन मिलती है? मैं कहता हूँ कि इंसान जो कुछ करना चाहे ना, चाहे वो ब्लाइंड है या कोई और डिसेबिलिटी है, सब कुछ कर सकता है, मगर इंसान हिम्मत ना आ रही। ये नहीं कि घर बैठ गया, मैं भी इस तरह ही 9-10 में बैठ गया था घर में, मगर मुझे किसी ने हिम्मत दी तो फिर मैं आगे यानी कि चल पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबको यही पैगाम दूंगा कि हिम्मत करे, घर से बाहर निकले, घर ना बैठे। अगर कोई डिसेबिलिटी है उसको छोड़ दे, है वो अपनी तरफ है डिसेबिलिटी, वो अल्लाह की तरफ से मिल गई हुई है, आप अपने आप बढ़ के अपना काम करें। अब अच्छा हसन, बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल भी हैं लेकिन इस तरह से वेल सेटल गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती उनको। जी काफी लोग हैं ऐसे। हाँ, तो मतलब उनका अपना कसूर होता है, वो निकम्मे होते हैं या सोसाइटी के प्रेशर होते हैं या फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, किसका कसूर और कौन होता है? अपना कसूर भी होता है लोगों का, क्योंकि कुछ, हाँ जी कुछ, बाकी ये जो मैं कहूँगा कि जॉब तो जो समझ लें कि सिफारिश है उसको ज़्यादा जॉब यानी कि मिलती है लोगों को, बाकी लोग कुछ लोगों का अपना कसूर होता है। घर मैरिट पे जॉब आजकल मिलती भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं इतनी कहूँगा कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ना, हर जगह पे गवर्नमेंट लेवल पे बहुत मुश्किल है मैरिट पे जॉब मिलना। जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी से जो आपने सीखा वो आज आपको शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, को मैसेज देना चाहिए? मैं लोगों को बस यही कहूँगा, ये जो खास तौर पे ये जो डिसेबल लोग हैं, आप मुझे देख लें, इस इधर और भी हैं लोग जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको देख लें आप लोग, अगर कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं अपनी हिम्मत पे, क्योंकि रास्ते में रुकावट तो आती है मगर फिर भी आगे इंसान बढ़ जाता है। मुश्किल तो आती है, हर चीज़ में मुश्किल होती है, मगर इंसान आगे बढ़ जाता फिर भी। थैंक यू सो मच हसन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपकी जो ज़िंदगी की स्टोरी थी मैंने जानी, लोगों ने जानी, हम सबको बहुत अच्छा लगा, हमें मोटिवेशन मिली है। नाज़रीन, जैसे कि हसन ने कहा कि ज़िंदगी के हर मंजिल में मसाइल आते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना है, फिर एक दिन आता है जब आप कामयाब हो जाते हैं। तो एवरी थिंग इज़ पॉसिबल अगर आप मेहनत जारी रखें। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।